मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको ESR या OHT में जो बॉटम स्लैब के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए, बॉटम स्लैब के लिए रिइंफोर्समेंट रेडी है। अब इसमें कास्टिंग के लिए थोड़ा वेदर ख़राब हो रहा है, कास्टिंग के लिए रेडी है। इसमें थोड़ा सा शटरिंग लगाना है, बाकी इसमें जो है इसका जो कैपेसिटी है, इस जो है 50 KL कैपेसिटी का ये ESR है। और इसमें आप देख रहे हैं इनलेट और आउटलेट के लिए ये पाइप जो है फ्लेंज पाइप लगे हुए हैं। ये देखिए 100 mm का जो है इनलेट के लिए, आउटलेट जो है 150 mm के लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं इधर और ये इधर और इधर। तो ये थोड़ा बारिश थोड़ा हुआ इसलिए अभी कंक्रीटिंग थोड़ी देर के लिए रुका रहेगा। बारिश बंद होने के बाद ही कंक्रीट हो पाएगा। ये रिइंफोर्समेंट सब लगा हुआ है, कंक्रीट के लिए एकदम रेडी है। और आप जैसा कि ये देख रहे हैं, अब यहाँ से मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेयर भी का कंक्रीट भी इसके साथ में होगा। स्टेयर का कंक्रीट जो है ये होगा, इसमें किस तरह से इसका होल्डिंग लगे हुए हैं आप देख रहे हैं। मैन पावर के खड़े होने के लिए इसके फोल्डिंग लगाए जाते हैं और स्लैब के सपोर्ट के लिए ये जो है वुडन सपोर्ट दिया गया है। आप देख रहे हैं नीचे से स्लैब को सपोर्ट के लिए वुडन सपोर्ट दिया गया है। यहाँ आप देख लीजिए वुडन का सपोर्ट है, वुडन की प्लाई है और वुडन का जो है इसमें शटरिंग भी वुडन का ही है। आप देख रहे हैं शटरिंग, वुडन शटरिंग से इसमें वुडन शटरिंग दी गई है। नेट का यूज भी किया गया सेफ्टी के लिए और 50 KL का कैपेसिटी का ये जो है OHT है, ओवरहेड टैंक है। और ये सीढ़ियाँ भी साथ में इसकी बनाई जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं नीचे की ओर जैसे कि जा रहा हूँ आप ये देख रहे हैं। ये वीडियो ओवरहेड टैंक में किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं जो है कॉलम है, ये कॉलम है, ये बीम है और इसकी जो ड्राइंग की होती है, डिजाइन की होती है, बीच बीच में इसमें ब्रेस बीम बोलते हैं, ब्रेस बीम दिए जाते हैं। उसके बाद कॉलम की जो है इसमें दो लिफ्ट है, देखिए कॉलम की लिफ्ट, ब्रेस बीम, फिर कॉलम, ब्रेस बीम, इस तरह नीचे से ऊपर की ओर हम लोग आते हैं। इसकी जितनी हाइट होती है उस हाइट में जाके फिर ऊपर हम जो है इसका कंटेनर जो है टैंक बनाते हैं, जो कि अभी आपको मैं दिखाया कंटेनर टैंक का जो है, जिसमें पानी जो है इकट्ठा होगा। उसके लिए बॉटम स्लैब का रिइंफोर्समेंट मैंने आपको अभी दिखाया, ऊपर शटरिंग एंड रिइंफोर्समेंट ये इसमें आप देख रहे हैं। ये देखिए ये बीच में जो ये लगाया गया है आदमी के खड़े होने के लिए, इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। मैन पावर के खड़े होकर के काम करने के लिए बम्बू से, बम्बू के द्वारा, बम्बू का एक स्पेशल जो है हाइट और थिकनेस होती है, उसकी अलग क्वालिटी के स्कैफोल्डिंग बनाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें, ये देखिए इसमें जो कॉलम है, ये बीम है, फिर ऊपर कॉलम है।